बोरीवली पश्चिम गोराई रोड पर स्थित महात्मा फूले नगर रहवासी संघ के नागरिकों की पुनर्वसन की समस्या मुंबई महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण पिछले कई सालों से लटका पड़ा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी एवं स्थानीय विधायक सुनील राणे ने महात्मा फूले नगर के रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्या का हर संभव समाधान निकालने की बात कही है। पेशे खास रिपोर्ट। आणि आपल्याला जर त्याचे घर मिळाल, ती घर मिळत असताना बाकीच्या राहिलेल्यांच्या पात्रता फिर जा पात्र बोलून नाही म्हणजे सध्या सगळा इतिहास मला माहिती आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे। त्याच्यामुळे जो या महात्मा फुलेतला पात्रधारक आहे आणि जो पात्र होणार आहे या सगळ्यांना मल्हारराव गुंजणीवर घरं मिळावी म्हणून आपण प्रयत्न केले। अडीचशे लोक पण क्लिअर झाले तर आपण समजू शकतो आणि बाकीकरता क्लिअर का करत नाही ते त्यांनी नोट केलं पाहिजे। मी आता परत 8 दिवसापूर्वी मंगलजीना लेटर लिहिला, त्याला कॉपी मी पाठवला DMCला तुमच्याकडे आहे, तर त्या गोष्टीचा मला ते उत्तर देत नाही, काय कळवत नाही। त्या DMCने मला फोन करून सांगायला पाहिजे बाबा काय इच्छा आता काय, बाकी आम्ही 8 दिवसात 15 दिवसात करतोय। तर आपण कुठेतरी लोकांना जबाब देऊ ना, हे काय ये महात्मा झोपड़पट्टी फुले का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब राम नाईक जी यहाँ के विधायक थे तो रात को एक बार डंपर घुस गया और कुछ दो लोगों की मौत हो गई। उत्तम पाचार ने जो आज देश का सबसे बड़ा जो शिल्पकार है वो इस झोपड़पट्टी में रहता था, वहाँ से जो प्रवास शुरू हुआ राम नाईक जी, उसके बाद में हेमेंद्र भाई मेहता, उसके बाद में विनोद तावड़े जी, उसके बाद में गोपाल शेट्टी, उसके बाद में अभी सुनील राणे जी, और आज योगा मुंबई भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी के हमारे अध्यक्ष RD यादव और बाकी सारे भी लोग आ गए। यहाँ तक का ये प्रवास है। अब ये सारे लोगों को घर मिले इसलिए 394 PAP बनकर रेडी पड़ा है। अब ये म्यूनसिपालिटी का हमारा धंधा देखो, ये डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं कहना चाहूँगा, BMC का प्लॉट है, BMC ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाकर पूरा घर दे दिया, अब उसको ऑक्यूपेशन अभी तक नहीं है। ऑक्यूपेशन आया नहीं ऐसा नहीं है, ये ऑक्यूपेशन जानबूझकर अटका के रखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। घर बनकर रेडी पड़ा है। अब ये 300 लोग यहाँ पर रहते हैं बरसों से, अभी उसमें से कुछ 110 या 120 लोग पात्र हुए हैं, बाकी के लोगों का अभी कल का रिपोर्ट है, सारे लोगों का यादी जूना यादी में से निकाला गया है और कुछ नए लोगों का यादी डाला गया है। नए लोगों का डाला उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर सबको मिलना चाहिए, लेकिन जूने लोगों का यादी में से क्यों निकाला गया, ये गड़बड़ करने वाले अगर मेरे पार्टी के लोग भी हैं तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। गरीबों के जानमाल के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, इसके लिए अभी हमने यहाँ पर रोका है। और डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर एक सांसद चिट्ठी लिखता है, एक विधायक चिट्ठी लिखता है, वो व्हाट्सएप मैसेज डालती है कि कल हम इनको पात्रता का लेटर देने वाले हैं। इतना बड़ा प्रकल्प का एक अच्छा ढंग से कार्यक्रम होना चाहिए, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर है हमारे से बातचीत करना चाहिए, वो नहीं किया, इसलिए झोपड़पट्टी के सारे लोगों ने मिलकर अब ये तय किया है जब तक सबका पात्रता का नहीं होता है तब तक कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं लेंगे। और उसको हमने विधायक जी ने और मैंने सारे लोगों ने मिलकर मान्यता दी है, ये 8 दिन में पूरा हो जाए इस प्रकार का निर्णय किया है। ये 394 जो घर बने उसमें एक्सेस घर हमारे पास है। मैं 2023 का उद्घाटन धरना से जिजाऊ चौक के लिए कल करने वाला था, लेकिन हमारे दिलीप पंडित जिला के महामंत्री, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, हम बात करेंगे डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर से, तो वहाँ 10-12 जो झोपड़े हैं उनको भी इसमें ऐड करके वो जगह अगर क्लियर करके देते हैं तो 2023 का जिजाऊ के नाम से हम एक अच्छा शुरुआत करते हैं कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ सारा संकट भी दूर हो जाएगा और लोगों को न्याय भी मिलेगा।